तो अच्छा खासा क्रैश टेस्ट हो गया इस टेल लाइट का। दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो भाई आज ना हमारे साथ ब्रेजा में एक थोड़ी सी अनहोनी हो गई और थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी वगैरह से रिलेटेड कुछ ऐसा हो गया कि भाई इसका एक क्रैश टेस्ट सही हो गया। तो मैं आपको एक बार ही ना दिखा देता हूँ कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो भाई ये लाइट टूटी हुई देख रहे हो आप, तो एक बार ही ना जिनके साथ ये हुआ है उन्हीं को ही बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये कैसे हुआ और एग्जैक्टली इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा है। निखिल भाई एक बार ये बताओ कि मतलब लाइक हुआ क्या एग्जैक्टली। तो हुआ क्या कि ना बेसमेंट की पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, तो मेरे साथ में एक बच्चा भी था, तो मैं उससे बातों में लग गया। कुछ हुआ पता नहीं क्या हुआ, तो मैं बैक करते हुए एकदम से मैंने ली कम से कम 15 से 20 की स्पीड में गाड़ी रही होगी। तो जैसे ही पीछे मैंने ध्यान नहीं दिया और खंभे से गाड़ी लगी, लगा लो खंभे का ना साइड का भी लगा लो सीमेंट वगैरह वो भी उखड़ गया और गाड़ी थोड़ी बहुत हिल गई। तो गाड़ी का इंपैक्ट मेन तो आया इस पे बम्पर पे, प्लास्टिक की चीज़ पे देखो आप दिख रहा होगा वाइट वाइट हो रखा है थोड़ा बहुत, मतलब ये स्क्रैचेस टाइप लग गए एक तरीके से। ये वाइट वाइट जो था पेंट होता है ना वो लग गया है, और फिर थोड़ा बहुत इस पे भी आया है जिससे बाहर की लाइट क्रैक हुई है और अंदर भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ। ओके मतलब लगा लो गाड़ी पूरी हिल गई थी, पर फिर भी मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी देख के कह सकते हैं मतलब ब्रीजा की कि प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी भी इतनी अच्छी है कि बल्कि बहुत सारा इंपैक्ट तो प्लास्टिक की वाली चीज़ ने ही झेल लिया। मतलब ये बम्पर पे ऐसा चाहिए भी नहीं हुआ कि ये एक जो बबल सा बन जाता है अंदर डेंट पड़ गया, अंदर भी नहीं दबा कुछ नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं, सिर्फ स्क्रैचेस लगे हुए हैं। मैंने स्क्रैचेस लगे हैं वो भी इस एक चीज़ बढ़ेगी, एक जो चीज़ ब्लैक है इसका ये फायदा है कि जब ये स्क्रैच ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा बहुत साफ करेंगे तो हो सकता है कि साफ हो। हाँ मतलब किसी को देखने से फर्स्ट टाइम पे ऐसी लगेगा कि मिट्टी ही लगी हुई है, गंदी हो रखी है मतलब गाड़ी ये नहीं कि अलग से। तो इसमें ये सेंसर भी है मेरे ख्याल से यहाँ पर, तो सेंसर में भी कुछ इशू आ रहा है क्या? नहीं नहीं सेंसर बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा कोई इशू नहीं आ रहा। और मतलब ये वाले पार्ट पे भी लगी है शायद, ये भी देखो जैसे स्क्रैचेस लगे हुए हैं। तो ये प्लास्टिक का पार्ट है कि ये स्टील का पार्ट है? नहीं नहीं देखो ये प्लास्टिक का पार्ट, आपको लग नहीं रहा होगा कि ये स्टील का, आपको लग रहा होगा कि स्टील का पार्ट है, तो देखो कि ये बॉडी स्टील जो भी एल्यूमिनियम बॉडी है और ये बिल्कुल पूरा बम्पर का पार्ट है, नीचे वाला प्लास्टिक। अच्छा ये भी बम्पर है? हाँ ये सारा बम्पर देखो आपको खोल के दिखा रहा हूँ। तो ये भी मतलब थोड़ा सा बॉडी मतलब उसमें से नक्का निकल गया है, बट वैसे ऐसा इसमें भी डेंट नहीं पड़ा। तो मतलब आप देख सकते हो कि ये ना इस लेवल पर है कि लाइट टूट गई है बट इस चीज को इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इस चीज पे सिर्फ खरोचे ही आई है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब हमने ये इम्पैक्ट हुआ तो हमने घर पे आके देखा कितने की लाइट वगैरह क्या पड़ेगी MGA वाली साइड से इन सबसे, पर हमें इसके तो रेट नहीं मिले। पर जब हमने बम्परों का रेट देखा तो मतलब बम्पर का रेट भी हमें जेन्युइन लगा कि 4000 का बैक वाला बम्पर था और फ्रंट का बम्पर भी 2500 का था, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा मतलब कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं है। बाहर से कोई बम्पर लेते मतलब वो पुराने पुराने बम्पर आपको 1500-2000 के देते हैं, तो कंपनी के ओरिजिनली 3000-4000 के। बढ़िया चीज़, क्यों बाहर से लगवानी है चीज़। तो भाई एक बार इस चीज़ का बताओ कि लाइक इस पे भी इम्पैक्ट क्यों नहीं आया, जब लाइट ये बम्पर यहाँ तक है ठीक है और लाइट थोड़ा सा अंदर की तरफ है, फिर भी लाइट टूट गई और बम्पर जो ये वाला पार्ट है बम्पर से जस्ट ऊपर जो ये फाइबर टाइप का ही है, प्लास्टिक टाइप का ही पार्ट है, मेटालिक भी नहीं है, तब भी इस पे भी कोई ऐसा डेंट नहीं दिख रहा, सिर्फ बिल्कुल माइनर से भाई आप देख सकते हो सिर्फ स्क्रैचेस दिख रहे हैं, वो भी बहुत माइनर से स्क्रैचेस। रीज़न ये है कि ये प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक मतलब अच्छी प्लास्टिक है वैसे ही, थोड़ा सा दब के वो थोड़ा बहुत सहन लेता है, मतलब कि अगर वो रहता आपकी स्टील की बॉडी या कुछ तो वो दब जाती है, प्लास्टिक ऐसा है वो कुछ टाइम बाद अपनी फॉर्म वैसे ले लेता है, इसलिए इतना इम्पैक्ट हुआ नहीं इसको। अच्छा तो भाई ये लाइट का भी सिर्फ एक राइट वाला पैनल टूटा हुआ है जिसके अंदर शायद बल्ब सिर्फ यहाँ पर होता है जो शायद इंडिकेटर या फिर आपका रिवर्स वाला है। और इसकी एक और चीज़ अच्छी बात यह है कि ना इसमें देखो बल्ब भी दे रखा है, इसमें रिफ्लेक्टर टाइप में कुछ लाइट दे रखी है ये वाली जो है, तो इससे एक और चीज़ क्या हुआ मतलब इसके टूटने के बाद उसके अंदर पानी वानी नहीं जा रहा, तो ये चीज़ बढ़िया, नहीं तो हमें इसमें टेप वगैरह कुछ लगानी पड़ती है, तो बारिश के टाइम में इसमें पानी जाता तो फिर वो काय से जम जाती है, वो चीज़ भी नहीं हो रही। मतलब भाई लाइट टूट गई लेकिन ऐसा आपको ना पीछे इस तरफ दिखेगा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट्स हो रखा है, जबकि भाई बता रहे हैं कि 15-20 की स्पीड पे अच्छी खासी सिर्फ वन साइड ठुकी है, जब वन साइड ठुकती है ना तो ज़्यादा इम्पैक्ट आता है कॉर्नर्स पर, बट कॉर्नर्स एज सच आप देखोगे बिल्कुल इंटैक्ट है, लाइक बिल्कुल भी डेंटेड और बिल्कुल भी दबे हुए नहीं लग रहे। इम्पैक्ट अगर यहाँ पे दबा तो ये चीज़ भी मुड़ी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होना चाहिए था, पर देखो प्लास्टिक की कंपैरेटिवली लगा लो अच्छी क्वालिटी कुछ बोल सकते हो कि देखो इस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं आया है, सिर्फ लाइट पे ही मेजरली अगर हम कहें तो इम्पैक्ट आया है जिसमें कि रिवर्स गियर पर अच्छी खासी स्पीड से लगी है गाड़ी, और देखो थोड़ा बहुत इस पर भी लगा था और वो सिर्फ इतने से इम्पैक्ट पे रह गया वो चीज़। हाँ बिल्कुल हल्की सी लाइक स्क्रैच टाइप आप कह सकते हो लाइट के ऊपर है,
बट एज सच मेजर ये भी डैमेज नहीं हुआ, बट मेनली राइट साइड का आपका अच्छा खासा डैमेज हो गया है। और सब एक और चीज़ देख सकते हो, जैसे कि हम गाड़ी जैसे कोई चीज़ होती है जो कोने की चीज़ होती है, थोड़ा अगर कोने की एसिडिटी रहने देते हैं तो उसमें जंग लगने का वो रहता है। पर देखो इन्होंने देखो इस चीज़ को कर्व कर रखा है, सील कर रखा है, तो जंग वगैरह कुछ लगने का रस्टिंग वगैरह कभी आसानी से नहीं पड़ेगी। बाकी अब देखते हैं इसकी लाइट की कॉस्ट वगैरह कितनी आती है, इंश्योरेंस में कराएंगे कि कैसे कराएंगे, बट इंश्योरेंस में लग नहीं रहा फ़ायदा, 1000-1200 तो फिर भी लगते हैं चार्जेस, और फिर नो क्लेम बोनस भी बढ़ जाएगा, तो इससे बेटर है कि लाइट आप परचेज ही कर लो, क्योंकि बम्पर में भी ऐसा नहीं है भाई। एक इसमें कुछ वो भी करा सकते हैं क्या हम, इसके बम्पर्स और साइड क्लैडिंग्स पूरा गाड़ी के कलर में पेंट करा सकते हैं क्या, जब थोड़ा बहुत खर्चा कर ही रहे हो तो? करा सकते हैं, पर मुझे तो ऐसे अच्छी लगते हैं गाड़ी में, देखो थोड़ी बहुत जैसे पीछे से टच हो जाए कुछ हो जाए तो इतना पता नहीं चलता। अगर आप करा लोगे तो आपके मन में रहेगा कि जरा से लग गए फिर इसको भी कराना है, और ऐसे आपके रफ एंड टफ अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो गाड़ी। हाँ ये चीज़ मुझे शुरू में बुरी लगी थी कि ऐसा ब्लैक कर दिया, और जैसे आप डे टू डे यूज़ में यूज़ करते हैं तो अच्छा लगता है कि मतलब गाड़ी इतनी गंदी है तो सोचना नहीं पड़ता कहीं जाते हुए। ये तो है, थोड़ी बहुत देखो साइड से तो लग ही जाती है, दिल्ली में इतना जाम वगैरह होता है। हाँ तो ये ब्लैक में इतना पता नहीं लगता, अगर आप डे टू डे रन में यूज करते तो बहुत। बाकी बिल्कुल शौक के लिए कराना हो तो करा भी सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं। बहुत कम चलानी, सिर्फ शौक के लिए चलानी है तो अलग बात है, पर देखो गाड़ी ऐसे आप लुक देखो तो कोई कमी नहीं। हाँ भाई गाड़ी एकदम बढ़िया लगती है, डुअल टोन टाइप सा लुक आ जाता है। तो बस भाई इतना ही था इस क्रैश टेस्ट वीडियो में, तो अच्छा खासा क्रैश टेस्ट हो गया इस टेल लाइट का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।